मैजिकल हैंड। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो आज हम इसी में से एक फैंटास्टिक बैग बनाने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और ऐसे फैंटास्टिक बैग के वीडियोज आप देखते रहिए। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से हम बैग कैसे बनाएंगे, तो आज हम इसी में से बैग बनाने वाले हैं। तो वो क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आज आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले हमारा जो वेस्टेज रहता है, मतलब कि जो हम बैग बनाते हैं उसमें से कुछ भी बचता है, तो उसमें से मैंने ये पट्टियां निकाली हैं। ये है 2x13 inches की, ये 2x13 inches की ऐसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पट्टियां निकाली है। इसे हम ज्वाइंट करेंगे और उसमें से बैग बनाना है। तो पहले हमें ऐसी 6 पट्टियां चाहिए 2x13 inches की, और दूसरा पार्ट्स बनाने के लिए और 6, मतलब कि हमें टोटल चाहिए 12 पट्टियां ऐसी चाहिए। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं इसके लिए। ये मैंने दुपियन सिल्क का ही मटेरियल है जो हम पहले बैग बनाते हैं उसमें से ही बचा हुआ है। वो सब चेक्स भर के जो हमारा बीच नीचे नॉन वुवन है, ऊपर हमारा फैब्रिक है और बीच में फोम है, उसमें जो चेक्स भर के हम रेडी करते थे उसमें से ही ये कटिंग करने के बाद बचा हुआ वेस्टेज है। और इसके बाद और ये है 4x13 inches का एक पार्ट्स, और दो पार्ट्स मैंने लिए 9x4 inches के। और इसके आगे चाहिए हमें 28x3 inches का, ये मैंने बेल्ट लिया है, दो ऐसे लिए हैं जिसका हम हैंगर बनाएंगे। और हैंगर में बीच में डालने के लिए ये नॉन वुवन है, ये नॉन वुवन है, इसका सिर्फ कलर ब्लैक है और नॉन वुवन अलग अलग कलर में आते हैं। और इसके सिवा हमें और चाहिए ऐसी 2 meter की, जो कलर के मैंने हैंगर लिए उसी कलर की ये मैंने साइड में पाइपिंग करने के लिए स्ट्रेट पट्टी ली है, ये 2 meter है। और इसके सिवा हमें चाहिए 6x5 inches का एक ये छोटा सा नॉन वुमेन का पार्ट्स, और 8x13 inches का एक पार्ट्स है, और 10x13 inches के ऐसे दो पार्ट्स है, ये सब नॉन वुमेन के हैं। और हमें ऐसे 2 pages चाहिए, ये छोटे छोटे पेज है। इसके ऑप्शन में आप चाहें तो कोई फैंसी बटन या शो बटन या फिर कुछ और एम्ब्रॉयडरी वाला पेज या कुछ लेस का डिजाइन ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, या फिर अलग अलग डिजाइन के फ्लावर्स भी आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। और हमें 2 zip चाहिए, ये है 14 inches का और ये है 6 inches का, और इसके लिए 2 runner चाहिए। सबसे पहले ये जो सब हमारी पट्टियां हैं उसे लेना है और हमारे कलर कैसे अच्छा दिखता है वैसे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम ब्लैक पैरोट, ये पिंक, ऐसे मैं ये इस तरह से अलग अलग कलर को रख रही हूँ। अब इसे मैं लाइन में जॉइंट करना है, तो सबसे पहले इसे मैं जॉइंट करूंगी, ये यहाँ पे ऊपर रखना है, इसके ऊपर इसे रखना है और हम यहाँ से स्टिच करेंगे। अब हमें यहाँ पे मैं पिंक कलर का यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, तो इस तरह से ये एक के बाद एक हम यहाँ पे ऐसे अटैच करते जाएंगे। तो ये इस तरह से अटैच कर लेना है सबको। ये मैंने सब पट्टियां को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे ये एकदम ऐसे मुड़ रही है, तो हमें इसके ऊपर यहाँ पे स्टिच लगा देना है। यहाँ पे ऊपर स्टिच करेंगे तो ये दब जाएंगे। इसी तरह से हमें सारी जो पट्टियां हैं उस सबको यहाँ पे फोल्ड करके ऊपर स्टिच कर लेना है। ये हमने सारी पट्टियां को जॉइंट करके ऊपर प्रेस सिलाई भी डाल के हमने इसे ये रेडी कर दिया है, ये हमारा पार्ट्स। अब इसको हमें नाप लेके इसमें से पर्स का कटिंग करना है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 13 inches का लेना है। ये मैं नीचे का पार्ट्स, नीचे का हिस्सा बनाऊंगी इससे, ये हमारा 13 inches का है। अब हमें यहाँ से
क्रॉस में लेना है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं बीच में, ये 13 इंचीज है, तो यहाँ से हमें 1 इंच यहाँ ऊपर की साइड से 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से भी 1 इंच पे मार्क करना है। अब हम यहाँ से यहाँ कॉर्नर तक सीधा ले लेंगे, क्रॉस लेना है हमें। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम कर लेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये हमने दोनों साइड मार्क कर लिया है, अब मैं कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे भी हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा पार्ट्स रेडी हो गया है। और इसी प्रकार से हमें दूसरा पार्ट्स भी, जो हमारी दूसरी 6 पट्टियां हैं, उसे मिलाकर ऐसा ही सेम टू सेम रेडी कर लेना है, जो मैंने कर लिया है। ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये 2 पार्ट्स रेडी हो गए हमारे। अब हमें नॉन वोवेन ले लेना है, जो हमारा 10x13 इंचेस का है। इसे हमें जो हमारे ये पार्ट्स रेडी किए उसके नीचे लगाएंगे, ताकि ये सब हमारा दिखे नहीं और ये अच्छा दिखे। तो हमें ये ऊपर रख के इसे हमें पूरा स्टिच कर लेना है दोनों पार्ट्स में सेम टू सेम। यहाँ पे जॉइंट हो गया है, और ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब हमें दूसरा पार्ट जो है उसमें ये लगाने से पहले हमें यहाँ पे जो सीक्रेट पॉकेट अंदर डालने वाले हैं वो लगा लेते हैं। पहले हमें ये जो हमारे 6 इंचेस की जिप है इसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये नॉन वोवेन को हम फोल्ड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब हमें ये जो हमारा पार्ट्स है दूसरा, जो उसमें अटैच करना है, उसमें हम ये जो जिप लगाए वो पार्ट्स को यहाँ पे अटैच करेंगे। ये पॉकेट हमारा यहाँ पे अटैच हो गया है, ये हमारा पॉकेट बन गया है। अब ये जो पार्ट है इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे, तो ये पॉकेट हम बाहर की साइड रखेंगे और ऐसे यहाँ पे हमें ये एकदम सेंटर में रख के यहाँ पे अटैच कर लेना है। अब इसे हम जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट्स अब रेडी हो गए हैं। अब हम पहले हैंगर बना लेते हैं। तो 28x3 इंचेस के जो हमारे 2 ऐसे पार्ट्स लिए थे उसे लेना है, और इसे हम यहाँ पे ऐसा सीधा रखेंगे। और जो नॉन वोवेन लिया था वो लेना है, और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें स्टिच कर लेना है।
ये स्टिच कर लेना है, यहां से स्टिच कर लिया, अब मैं यहां से भी स्टिच कर लेती हूं। ऐसे ही हमें सेम टू सेम दूसरा भी बना लेना है। अब ये हैंगर हमें यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क करूंगी, ये हमारा 3 इंच पे, और यहाँ से हमें 2.5 लेना है, यहाँ ये हमारा मार्क हो गया, और यहाँ पे भी ऐसे ही मार्क करना है। और ये जो हमारा हैंगर है यहाँ पे हम रखेंगे, और इसके ऊपर जो हमने ये पेच लिया था वो यहाँ पे ऐसे लगाना, और उससे पहले हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे ऊपर स्टिच करके। ये पेज को मैंने फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी मार्क कर लिया है, वैसे ही यहाँ पे जो हमने रखा था वहां पे ये हैंगर रखेंगे निशान पे, और यहाँ पे हम पहले स्टिच कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे। ये हमने यहाँ पे ऐसे अटैच कर लिया। अब हमें यहाँ पे ये जो हमारा पेज है इसे यहाँ पे ऐसे लगाने का है, और आप चाहे तो पहले यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं ये पूरा एडजस्ट करके, ऐसे ही आपको आता है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, हम ऐसे ही लगा रहे हैं। अब हमारा ये एक लगाया था वैसे ही मैंने दूसरा भी लगा दिया है, ये हमारा रेडी हो गया है हैंगर। अब हमें पीछे का हैंगर लगाना है, ये दूसरी साइड हमें लेना है। अब यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, और एक साइड मार्क करके यहाँ हैंगर भी लगा दिया है, तो ये दूसरा है, तो मैं कैसे लगाना है ये दूसरी साइड, इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर यहाँ से इसे भी ऐसे फोल्ड करना है। ये हमारा ऐसे लेना है, और फिर यहाँ पे हम मार्क किया है वहां पे इसे लगाएंगे, अब हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। ये हमने हैंगर लगा दिया है। अब हमें जो हमारा 8x13 का जो हमारा पार्ट है वो लेना है, और उसे हमें यहाँ एक साइड ऊपर से फोल्ड कर लेना है, यहाँ से फोल्ड करती हूँ ऐसे, यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा ये दूसरा पार्ट है उसमें इसे यहाँ पे ऐसे अटैच करना है, यहाँ पे हम एडजस्ट करके इसे मैं सीधा कर लूंगी, और यहां से हम स्टिच कर लेंगे। ये हमने जो अब यहां पे अटैच कर लिया है, अभी जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। ये यहाँ पे ऐसे पॉकेट बन गया अब हमारा। अब जो हमारा ये पार्ट्स था 4x13 इंचेस का, उसे लेना है हमें, और इसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे ये ऐसे,
सीधा रखना है, ये सीधा और ये उल्टा है। इसे अब यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। ये यहाँ पे हमने अटैच कर लिए, अब इसे हम सीधा करेंगे और यहाँ पे जो हमारा ये दूसरा पार्ट है उसे भी अटैच कर लेंगे। ये यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, ये हमारा ऐसा हो गया। अब हम इसे उल्टा करके यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे, ये जो ऊपर हो रहा है उसे हम यहाँ पे स्टिच करके क्रश कर लेंगे। ये यहाँ पे हमने दोनों साइड ये स्टिच करके इसे दबा दिया। अब हमें जो हमारा 9x4 इंचेस के दो पार्ट्स थे उसे लेना है, उसे दोनों को एक साइड से यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ये दोनों को ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। अब ये दोनों को मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया है। अब एक पार्ट्स लेंगे इसका हम, और उसे हमें यहाँ से नाप लेना है यहाँ तक, ये ऐसे रखेंगे हम यहाँ से नाप लेके, जो है यहाँ तक हमारा रहना चाहिए। और हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ से इसे ऐसे, अब इसे हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ऐसे। अब इसे हम वापस से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों यहाँ पे ऐसे सेम आना चाहिए। ये पार्ट्स और ये पार्ट्स दोनों एक नाप में ऐसे आने चाहिए, दोनों ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे ऐसे अटैच कर लिया है, और ऐसे ही हमें दूसरे साइड भी अटैच कर लेना है। ये हमने यहाँ पे दोनों साइड ऐसे अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगाना है, तो उसके लिए जो हमने ये लिया था उसे लेना है और यहाँ पे हम अटैच करेंगे। अभी हम इसे यहाँ पे ऐसे नीचे रखेंगे और यहाँ से स्टिच स्टार्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम इसे ऐसे ऊपर सीधा पकड़ के इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे स्टिच करके हमें ये पूरा फोल्ड कर लेना है।
ये हमने दोनों साइड पाइपिंग भी ऐसे बना दी है। तो अब हमें यहाँ पे ऊपर जिप लगाना है। तो ये जिप है हमारा, तो इसे हम लेंगे और पहले यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ से ये जिप को हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है, थोड़ा सा ही यहाँ पे। अब हम यहाँ से ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब ये जो हमारा जीप है इसे हम ऐसे खोल देंगे और ये दूसरा पार्ट है उसे यहाँ पे अटैच करना है। तो इससे थोड़ा सा यहाँ से हम नाप लेंगे ऐसे और ये ऐसे घुमा देंगे हम और यहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लास्ट में हमें ये फिर से जिप को यहाँ पे इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। जिप को हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो अब यहाँ पे जो हमने फोल्ड किया था उसे यहाँ पे ऐसे हम ये प्रेस कर लेंगे और जो फोल्ड किया था हमने जिप को उसे ऐसे यहाँ पे ऐसे पकड़ के यहाँ ऊपर से हमें स्टिच कर लेना है। अब ये हमने जिप को यहाँ से प्रेस कर दिया है, अब हमें इसे यहाँ से ऐसे पकड़ना है और हमें यहाँ ऊपर से स्टिच करना है। ये जिप ज्यादा ना दबे वो देखना है। यहाँ से ऐसे पकड़ के ये मैंने सीधा कर लिया है, अब यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। ये अब मैंने यहाँ पे भी स्टिच कर दिया है और ऐसे ही सेम टू सेम सब दूसरी साइड भी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे रनर डालना है, जो ये हमारा खुला छोड़ा हुआ पार्ट है हम वहां से रनर डालेंगे। ये हमें एकदम नाप लेके देख लेना है कि ये बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुआ हो, अगर जरा सा भी है तो उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम रनर डाल देंगे। ये दोनों पार्ट्स को एक के बाद एक अंदर डाल के अब दोनों को साथ में मिला के पुश करना है हमें। ये आ गया, ये हमारा रनर आ गया है। अब हमारी पाइपिंग जो थी उसमें से ये पट्टी मैंने ली है, इसे हम यहाँ पे ऐसे सीधा रखेंगे ऊपर और फिर हमें इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और इस साइड से भी हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ से ऐसे बाहर खींच लेंगे और फिर वापस से हम इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे फोल्ड करके हमें इसे यहाँ पे स्टिच कर लेना है इसके ऊपर यहाँ पे। ये यहाँ पे ये हो गया है पैक। तो ये अब हमारा पर्स एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा एकदम बड़ा पॉकेट है, उसके अंदर ये हमने छोटा सा लगाया और ये किए चेन, यहाँ पे छोटा पॉकेट हमारा सीक्रेट पॉकेट बना दिया है। तो आपको ये मेरा पर्स कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए कमेंट से। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए वीडियोस देखते रहिए।
तो अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।